हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर नया एग्जामिनेशन पैटर्न, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बारे में सर्कुलर आया था। उसके हिसाब से आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्म में होगी। ओके, तो आपको काफ़ी जगह उससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज मिले होंगे। बट अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगा, तो आप लोग वो टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे टी वाई बी कॉम सेमिस्टर 6 कॉमर्स 6 जो सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया है, जिसके अंदर फर्स्ट मॉड्यूल जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आपके दिमाग में सारे फर्स्ट मॉड्यूल के जो भी कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी आ जाए। उसके ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में टर्न अप होगा तो आप लोग उसको आंसर कर पाओगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। नाउ सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वही आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो सिंपल टर्म में कि रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक कोई किसी भी एम्प्लॉय के जो भी एक्टिविटीज होती है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, और बेसिकली अभी कौन से एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि सपोज कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग पहले क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, और फिर बाद में वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे अप्लाई करता है, फिर हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, देन इंटरव्यू होने के बाद में उसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद में उसको क्या करना पड़ता है, एचआर मैनेजर जो होता है उसको प्रॉपर डिपार्टमेंट में प्लेस करता है कि जहाँ पे उसको काम करना है, फिर प्लेसमेंट के बाद में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ओके, ताकि वो काम को सीखे, फिर बाद में उसको उसकी कॉम्पेंसेशन जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब उसको सैलरी कितना मिलेगा, फिर उसको बोनस कितना मिलेगा, उसके अलाउंसेस क्या क्या होंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। उसके बाद में आपको ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है हर साल के एंड में, फिर बाद में मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को ताकि वो लोग अच्छे से काम करें, दे विल वर्क विद एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। ओके, सो ये सारे जो होते हैं वो काम यहाँ पे किए जाते हैं। तो ये सब की वजह से क्या होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को या एम्प्लॉयज को मैनेज करोगे, तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको कॉर्पोरेट इमेज मेंटेन करनी है, फिर बाद में आप लोगों को आपका बिजनेस जो इसको एक्सपैंड करना है, तो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स है आपके अच्छे होंगे अगर आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को आप प्रॉपरली मैनेज करोगे तो। ओके, सो आप लोगों को यही सब चीजें लिखने की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि कभी भी एम्प्लॉय को जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो तभी से लेके उसका ऑर्गेनाइजेशन में जाने तक जो भी चीजें की जाती है उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, और उसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, अभी और डिटेल में मैं आपको फंक्शन का क्वेश्चन पहले बताऊंगा, बिकॉज फंक्शन जो है उसके बारे में आप देखोगे कि हर एक पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों को आगे भी चीजें एक्सप्लेन की है। सो वील स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ एचआरएम। नाउ ये जो फंक्शन का क्वेश्चन है वो आपका पूरा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है इसके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचआरएम। ओके, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसके अगर आपके सारे टॉपिक्स के मीनिंग आपको पता चल गए तो काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको आ जाएगी और काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आप अटेंड कर पाओगे। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो शुरुआत होती है वो होती है एचआरपी से। ओके, नाउ एचआरपी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जहां पे आप लोग क्या करते हैं आपके यहाँ पे कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, और आपके यहाँ पे कितने ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, और अगर सपोज आपके यहाँ पे शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्सेज का तो आप लोग क्या करते हो, नए ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करते हो, और अगर आपके यहाँ पे एक्सेस है तो उसके लिए आप कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई करके वो एक्सेस एम्प्लॉयज को आप लोग क्या करते हो, या तो उनको जॉब से वीआरएस देके सीआरएस देके निकाल देते हो, या फिर उसको कहीं और तुम लोग शिफ्ट करते हो। ओके, सो आप लोग यहाँ पे पूरा प्लानिंग कर रहे हो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि कितने की जरूरत है और कितना अवेलेबल है, अपने पास शॉर्टेज है, फिर हमारे यहाँ पे सरप्लस है या एक्सेस एम्प्लॉयज है, यस नो, ये करना बहुत जरूरी होता है। तो एचआर मैनेजर जो होता है टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है ताकि उनको पता चलेगा कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। सो इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो प्लानिंग होता है उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को कंपेयर करके आप लोग देखते हो कि आपके यहाँ पे एक्सेस एम्प्लॉयज है या शॉर्टेज एम्प्लॉयज का है। ओके, एक बार आपने ये फाइंड आउट किया कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं या कहाँ पे कितने लोगों की जरूरत है, ये अगर आपने किया, उसके बाद में आप लोग करते हो रिक्रूटमेंट। नाउ रिक्रूटमेंट जो होता है उसके बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सी, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हो। ओके, और वो न्यूज़पेपर के ऐड को देख के लोग क्या करते हैं आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं।
उसको रिक्रूटमेंट बोला जाता है. ओके, सो सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. कि आप लोग क्या करते हो, आपके एम्प्लॉय को या आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसको आप लोग सर्च कर रहे हो. तो अलग अलग न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हो. आजकल वेबसाइट के ऊपर ऐड वगैरह पुटअप की जाती है, सोशल मीडिया को यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए ताकि आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिल पाए. रिक्रूटमेंट के बाद में होता है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन में पूरा एक लंबा प्रोसीजर होता है जहां पे आप लोग क्या करते हो, कंपनी में अप्लाई करते हो, फिर कंपनी उसमें से शॉर्टलिस्ट करती है कुछ कैंडिडेट जो कंपनी के रिक्वायरमेंट में फिट होता है. ओके, फिर उन लोगों के कुछ टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बोला जाता है. जब बहुत सारे एम्प्लॉय आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हो, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज का इंटरव्यू कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है. तो टेस्ट के थ्रू आप लोग क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो कौन सा एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकता है या कैपेबल हो सकता है. और फिर टेस्ट के बाद में आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, और फिर बाद में सारा जो नेगोशिएशन वगैरह होता है कि जॉब का टाइमिंग वगैरह, फिर बाद में सैलरी वगैरह, वो सब नेगोशिएशन होता है. और फिर फाइनल आपको क्या किया जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है और आपको जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर मिल जाता है, दैट इज सिलेक्शन. तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में आ गए. उसके बाद में प्लेसमेंट होता है. प्लेसमेंट मतलब कि आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये सुनो, उसके हिसाब से आपको एक डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है. इन शॉर्ट कि आपको एक जॉब दिया जाता है. फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम किया है अकाउंटिंग में, तो आपको क्या किया जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट दिया जाता है. या फिर सपोज आपने मार्केटिंग के अंदर एमबीए किया है तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा. तो आपके अंदर क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर पुटअप किया जाता है या प्लेस किया जाता है, जिसको प्लेसमेंट बोला जाता है. फिर आप लोग देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के काम का तरीका पता नहीं होता, या बहुत सारे मशीन वगैरह होते हैं उसके नॉलेज आपको नहीं होते हैं, बिकॉज आजकल मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम चलता है. तो आपको वो सब चीजें सिखाई जाती है. ओके, सो उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका जो नॉलेज, आपके जो स्किल्स है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं या एनहांस हो जाते हैं. मतलब आपको काम कैसे करना है, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वगैरह, ये सब चीजें आपको पता चल जाती है. सुनो, उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड और आपका सोशल बिहेवियर जो होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, कि कैसे टीम के अंदर काम करना है, कैसे हम लोग को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना है, वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. ओके, नाउ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को. तो ट्रेनिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. ओके, जहां पे जैसे कि सपोज 15 दिन का वगैरह हो गया, एक महीने का हो गया. पर डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा कैसे होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. बाकी इनमें आपको क्या किया जाता है, आपको कुछ स्किल्स या आपको कुछ ऐसे नॉलेज वगैरह जो होता है वो इम्पार्ट किया जाता है या आपको वो प्रोवाइड किया जाता है. ओके, उसके बाद में आपके कॉम्पेंसेशन फिक्स होते हैं. कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, कि आपको सैलरी कितनी पे करनी है, आपको बोनस वगैरह जो होता है वो कितना पे करना है, कौन से अलाउंसेस देने हैं, इंसेंटिव्स कितने होंगे, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड हियर. ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोटिवेशन करता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, हार्डवर्क पुटअप करने के लिए. फिर हर साल में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. ओके, नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, अप्रेजल मतलब असेसमेंट, कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया पर्टिकुलर ईयर में. यस नो, ये असेसमेंट क्यों होता है, ताकि आपको पता चलेगी कि कौन से नेक्स्ट ईयर कौन से एम्प्लॉय को हम लोग को कंटिन्यू करना है, या कौन से एम्प्लॉय को हमको जॉब से निकालना है, स्पेशली जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. यस नो, किसको प्रमोशन देना है, किसको ट्रेनिंग की जरूरत है. यस नो, ये सब जो चीजें होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको मतलब फाइंड आउट की जाती है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट बनाया जाता है जिसके अंदर आपके क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या क्या वीकनेस है, वो जॉट डाउन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं बाय एचआर मैनेजर, और फिर उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है. जैसे कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा है, तो उसको फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वगैरह देंगे या उसको प्रमोशन वगैरह देंगे अच्छा खासा. एक किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है तो उसको ट्रेनिंग वगैरह देंगे. यस नो, या उसको वार्निंग वगैरह देंगे कि आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था तो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो करके. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नथिंग बट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज. ओके, विच हेल्प्स यू इन द फर्दर डिसीजंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉय. फिर प्रमोशन. नाउ प्रमोशन, जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि जहां पे एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है, जहां पे आपका पे, आपका स्टेटस जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन. सो जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको क्या किया जाता है, हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है. मतलब जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उससे आपको नेक्स्ट लेवल पे भेजा जाता है. करियर डेवलपमेंट होता है.
ओके नाउ करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज को करियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। जैसे कि सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको कुछ चैलेंजिंग टास्क वगैरह देने चाहिए, आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए, या दूसरे वगैरह जैसे कि सपोज MBA वगैरह करना है एम्प्लॉय को तो उसके लिए उनको हेल्प करना चाहिए। तो ये सारे हो जाते हैं आपके करियर डेवलपमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉय को आप क्या कर रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म में उसके करियर में आप ग्रोथ करा रहे हो। तो ये भी HR मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, उसके करियर का ग्राफ जो है वो अपवर्ड जाना चाहिए। ओके फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब कुछ फैसिलिटीज होती है जो स्टैचुटरी होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना, जैसे वॉशरूम फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, ओके चेंजिंग रूम होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर बाद में फर्स्ट एड होना चाहिए। हाँ तो ये सारे एम्प्लॉय वेलफेयर होते हैं। ओके फिर बाद में आप लोग देखते हो कि विमेन एम्प्लॉय है तो उनके लिए मैटरनिटी लीव वगैरह होना चाहिए, क्रेश फैसिलिटी मतलब अगर सपोज कोई लेडी हायर लेवल पे काम करती है तो उसके बेबी को संभालने के लिए कोई आया वगैरह होनी चाहिए तो क्रेश फैसिलिटी में काउंट होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज स्टैचुटरी है, वो हर एक जो एम्प्लॉय है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। वैसे कुछ नॉन स्टैचुटरी होती है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया तो चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। ओके सो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो HR मैनेजर को करना पड़ता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सेम चीज मैंने जब आपको मीनिंग समझाया वही मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था कि रिक्रूटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक जब भी एम्प्लॉय आता है तभी से लेके उसका वो जब जॉब छोड़ के जाता है या फिर वो रिटायर्ड होता है तब तक जो जो चीजें की जाती है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है। सो ये फंक्शंस आपको वन बाय वन याद रखना है। ओके नाउ इसके बेसिस पे ही आपका कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की वजह से आप अच्छे से सब इफेक्टिवली सब चीजें करते हो, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग किया है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किया है, एम्प्लॉय को अपने राइट डिपार्टमेंट में प्लेस वगैरह किया है, सो एवरीथिंग यू हैव डन वेरी प्रॉपरली। तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं या उसके क्या फायदे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके सो प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हो तो उससे क्या होता है कि आपको कॉम्पिटेंट मैन पावर अवेलेबल हो जाते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मोटिवेशन उनका मोरल जो होता है वो बूस्ट होता है। ओके देन कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, करियर डेवलपमेंट, वर्किंग रिलेशन अच्छे होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो है वो आपको याद रखने की, अगर आपने अच्छे से ये सब चीजें की या इफेक्टिवली आपने ये सब चीजें की, कहीं पे भी एम्प्लॉय को कोई भी परेशानी वगैरह नहीं हुई, तो डेफिनेटली दीज आर द बेनिफिट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गेट। ओके नाउ उसी तरीके से आपका ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है तो उसका मीनिंग जो है आपको देख के जाना है। ओके सो एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन नो द ईच टर्मिनोलॉजी और वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। नाउ आगे अगर आप देखोगे तो टॉपिक है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि आप लोग क्या करते हो कि आपके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का प्लान करते हो कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और कितने लोगों की जरूरत है, उसको आप कंपैरिजन करते हो। तो ये पूरा कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाना है, मतलब याद रखना है कि कितने आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ओके या आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको आपने कंपेयर करके आपने देखा कि कोई डिफरेंस है क्या, अगर डिफरेंस रहेगा तो उसके हिसाब से आपने एक्शन लिया है। सो यू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल एंड हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर। ओके रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ताकि आपके यहाँ पे एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होंगे वो अवेलेबल होंगे, ना ओवर एम्प्लॉय होंगे या ना अंडर एम्प्लॉयज होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर बाद में है जॉब एनालिसिस। नाउ जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर जॉब। जैसे सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर जॉब है, कोई एक काम है, तो उसका पूरा आप क्या करते हो, डिटेलिंग जमा करते हो, कलेक्ट करते हो। ओके उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। नाउ आप क्या क्या डिटेलिंग जमा करते हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब काम की डिटेल। ओके जैसे कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करोगे तो आपका क्या पोस्ट होगा, आपको कौन से लोकेशन में मतलब कौन से ब्रांच में आपको काम करना पड़ेगा। ओके फिर आपकी जॉब की समरीज वगैरह होगी, आपका बॉस कौन होगा, किसको रिपोर्ट करना है आपको, वर्किंग कंडीशन या फिर आप कौन सी मशीन्स वगैरह यूज करोगे। तो ये सारी जॉब की जो डिटेल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और आपको जॉब के लिए कैसा कैंडिडेट चाहिए, कैसा एम्प्लॉय चाहिए,
उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे उसके क्वालिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसकी, उसका जॉब एक्सपीरियंस, प्रायर कोई जॉब एक्सपीरियंस चाहिए क्या, ओके फिर बाद में ट्रेनिंग वगैरह क्या ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्किल्स क्या होनी चाहिए, ओके ये सारी जो चीजें होती है उसकी फिजिकल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सो ऑल द डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉई विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड ए जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब एनालिसिस मैंने आपको बताया कि जहां पे आप लोग क्या करते हो, सारे जॉब की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ओके और इंफॉर्मेशन आप दो चीजों में डिवाइड करते हो, एक तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, मतलब डिटेल ऑफ द जॉब जो आप एक पेपर के ऊपर डिस्क्राइब करते हो कि ये सारे जॉब के डिटेल है, और फिर बाद में एक दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन जहां पे कैंडिडेट की कैसे रिक्वायरमेंट है वो आप फाइंड आउट करते हो। अभी ये क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है या फिर आपको वेबसाइट के ऊपर ऐड देना है ताकि आपको कैंडिडेट ढूंढने में हेल्प हो जाए, ओके सो देखो कैसे सब चीजें जा रही है। सबसे पहले आपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके फाइंड आउट किया कि आपके यहाँ पे सरप्लस एम्प्लॉयज है या आपके यहाँ पे शॉर्टेज एम्प्लॉयज है। ये करने के बाद में फिर आपने क्या किया, जॉब की सपोज आपके यहाँ पे शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज है तो कहाँ पे है, सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो आपने क्या किया उसके जॉब की सारी डिटेल कलेक्ट की, ओके फिर बाद में आपने क्या किया एम्प्लॉय को सर्च करना शुरू किया ना। एम्प्लॉय को सर्च किया मतलब क्या कि तुमने न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पे भी वेबसाइट पे वगैरह या सोशल मीडिया में वगैरह एडवर्टीजमेंट पुट अप किया, जिसकी वजह से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है या जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है आपके, वो लोग क्या हो जाते हैं, स्टिम्युलेट होते हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए। सो यू आर गिविंग एन एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन द जॉब एनालिसिस, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट में आपको सब मेंशन करना पड़ता है कि कैसा कैंडिडेट चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वगैरह, वो सब चीज है यस ना। उस बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो और फिर जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हो आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट, ओके नाउ रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेस होते हैं जहां पे आप लोग एम्प्लॉयज को ढूंढ सकते हो। तो उसके दो सोर्सेस होते हैं, एक तो इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। काफी बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बाहर के एम्प्लॉय को रिक्रूट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि इंटरनल कैंडिडेट जो होगा उसको कम ट्रेनिंग देना पड़ेगा वो, या फिर वो ज्यादा रिलायबल रहेंगे या उनको ओरिएंटेशन नहीं कराना पड़ेगा, यस नो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनल एम्प्लॉयज को ही क्या करती है, जॉब पे रखती है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या, जहाँ पे आप इंटरनल कैंडिडेट को नहीं लेते हो उसमें भी अपना पॉलिटिक्स हो सकता है कि इंटरनल कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है, यस नो, या इंटरनल कैंडिडेट्स जो है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, इसकी वजह से आप बाहर का ढूंढना चाहते हो। सो देयर कैन बी मेनी रीजन व्हाई यू आर गोइंग आउट फॉर द रिक्रूटमेंट पर्पस, ओके। सो इंटरनल के अंदर कौन से है तो ये सारे नाम आप याद रखो, एक्सटर्नल के अंदर कौन से तो ये सारे नाम आप याद रखो ना। इंटरनल जैसे मैंने आपको बोला कि विद इन द कंपनी होते हैं, तो प्रमोशन जैसे कि सपोज एक जूनियर लेवल पे था उसको सीनियर लेवल पे तुमने प्रमोट किया तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया, या किसी एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच में से दूसरे ब्रांच में आप लेके गए तो इट इज अगेन इंटरनल, क्योंकि आपके एम्प्लॉय को आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया हुआ है। फिर कभी कभी कंपनी का जो नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर एक एड लगाया जाता है कि अपने यहाँ पे ये डिपार्टमेंट में जॉब की वैकेंसी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर सपोज कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाला कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। रिटायर्ड मैनेजर, नाउ रिटायर्ड मैनेजर मतलब क्या होता है, काफी बार क्या होता है कि आपको जो एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है वो मिलते नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, जो मैनेजर पहले रिटायर्ड हुआ है उसको ही आप लोग क्या करते हो, वापस से बुला लेते हो कि भाई आप हमारे यहाँ पे क्या करो, पोस्ट रिटायरमेंट 2-3 साल के लिए आप लोग कंटिन्यू करो, तो बाद में फिर जब उनको एक्सपीरियंस या अच्छा खासा कैंडिडेट मिल जाएगा तो फिर बाद में वो लोग क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय को डिसकंटिन्यू कराएंगे, ओके। फिर बाद में है कॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव, नाउ कॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव का मतलब क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयज को लॉन्ग लीव दिए जाते हैं, ओके पर आपको अभी क्या है, जैसे कि सपोज कोई हायर लेवल पे कोई लेडी है, ओके वो मैटरनिटी लीव के लिए गई है 6 मंथ्स के लिए और आपको अर्जेंटली क्या है कि रिक्वायरमेंट है वो एम्प्लॉय की, तो आप लोग क्या करोगे, उनको फिर कोई फैसिलिटीज वगैरह देके, क्रेश फैसिलिटी वगैरह देके उनको आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे जॉब पे, ओके और फिर बाद में वो अपनी छुट्टी को क्या कर सकते, बाद में कॉम्पेंसेट कर सकती है। देन रिकमेंडेशन बाय सीनियर, कोई सीनियर होता है जो क्या करता है, उनके अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उनको रिकमेंड करते कि इनको आप क्या करो, ये पोस्ट के लिए ले लो करके, तो ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल मतलब न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, सोशल मीडिया में आप एड वगैरह देते हो, उससे आप कैंडिडेट सर्च करते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कॉलेजेस में जाके जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप लोग रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, नाउ रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट मतलब आप लोग ने काफी सारे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह देखे होंगे जहां पे ऐसे एड लगाई जाती कि गाला नंबर 100 में हम लोग को कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, या इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग को ये कैंडिडेट चाहिए करके। सो ऐसे गेट के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगाई जाती है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं,
वॉक इन इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पूरे दिन जो इंटरव्यू चलते रहते हैं, आपको वहां पे जाके एडवर्टीजमेंट आएगा, वहां पे जाके आपको इंटरव्यू को अपियर करके आना पड़ता है, आपको यहाँ इसके लिए अप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। देन ई रिक्रूटमेंट आजकल निकला है जो ऑनलाइन होता है आपका, कि ऑनलाइन वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, आपसे रिज्यूम मंगाते हैं और फिर बाद में आपको इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके जॉब पे आपको रिज्यूम करना पड़ता है। सो ये सारे सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में है जॉब डिजाइन। नाउ जॉब डिजाइन मतलब आपका जॉब का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, तो अलग अलग जॉब के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन। नाउ टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन में सबसे पहले है जॉब सिंप्लीफिकेशन। नाउ जॉब सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि काम जो होता है उसको आप लोग क्या करते हो, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हो और फिर हर एक छोटे छोटे पार्ट को आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज के बीच में बांट देते हो और हर एक एम्प्लॉय जो है वो काम करते रहता है, उसको बोलते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन। मतलब पूरा का पूरा जो काम है उसका पूरा बर्डन आपने एक एम्प्लॉय पे ऊपर नहीं दिया, आपने वो काम को डिवाइड करके उसको अलग अलग एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर आप एक ही काम को फिर बार बार करते रहते हो, तो उसके अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। एक तो यहाँ पे जॉब सिंप्लीफिकेशन की वजह से क्या हो गया, आपका जॉब जो है डिवाइड हो गया तो आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं आएगा। पर दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि सेम सेम काम आप लोग करते रहते हैं और सेम सेम काम करने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों को एक बोर्डम आ जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, आपको चैलेंजिंग कुछ भी लगता नहीं है उसके अंदर, तो उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, घूमते रहना। घूमते रहना मतलब कैसे कि एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, दूसरे डिपार्टमेंट में से तीसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना, स्पेशली आप बैंक के अंदर देखते हो कैशियर का जो होता है वो कैशियर हमेशा अलग अलग रहता है, बिकॉज बैंक में जॉब रोटेशन बहुत ज्यादा होता है, कभी आपको बैक ऑफिस में डाला जाता है, कभी आपको कैशियर के पोस्ट पे डाला जाता है, कभी आपको फ्रंट ऑफिस में डाला जाता है, कभी आपको लोन डिपार्टमेंट में ये किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन, मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट और वन ब्रांच टू अदर ब्रांच इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। यहाँ पे आपको थोड़े से अलग अलग तरीके के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, एक ही जैसा काम कर रहे थे, यहाँ पे आप रोटेट हो रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और दूसरा काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको क्या होता है कि नए नए काम की जानकारी मिलती है, बोर्डम नहीं होता है, यस नो। पर अगेन यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी काम में आप मास्टर नहीं होते हो, आप हमेशा नए नए काम करते रहते हो, सो यू डू नॉट बिकम द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो तो वो काम में आप मास्टर हो रहे हो। सो देखो, इसके कुछ एडवांटेजेस है जो इसके डिसएडवांटेजेस है और इसके कुछ एडवांटेजेस है जो इसके डिसएडवांटेजेस है, तो उसके हिसाब से ये है। फिर है जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट, ये दोनों के बारे में आप लोग समझ लो। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है कि सेम लेवल पे आप रहते हो बट आपके कामों में क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे कि सपोज एक आपके यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, नाउ रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है, फोन कॉल अटेंड करने का या कोई भी विजिटर वगैरह आया तो उसको अटेंड करने का। नाउ यहाँ पे बॉस क्या करेगा, उसको और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि जो भी हमारे डेटर्स है, जिनको हमने उधारी पे गुड्स दिए है, उनको कॉल करके पूछने का कि भाई वो लोग अपना उनका जो पेमेंट ड्यू है वो कब तक पे करेंगे। सो बॉस ने क्या किया, उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, पर वो काम क्या है, सेम लेवल का है, मतलब कुछ हायर लेवल का काम उसको नहीं दिया हुआ है। तो जब आपको एडिशनल काम दिया जाता है और वो एडिशनल काम जो होता है वो आपका सेम लेवल का होता है, जहाँ पे आपके इंक्रीमेंट में या पोजीशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, आपके स्टेटस वगैरह नहीं बढ़ता है, आपका सैलरी नहीं बढ़ता है, आप सेम लेवल पे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। आपकी जॉब की क्या हो गई, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई आपके ऊपर, आपके काम बढ़ गया। जॉब एनरिचमेंट जो होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाते हो, ओके, जहां पे आपका स्टेटस भी बढ़ता है और जहां पे आपकी इंक्रीमेंट भी होती है, आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ती है और आपको एडिशनल काम मिलता है और आप हायर लेवल का काम करते हो वहां पे, उसको जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और एक है तुम्हारा जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। जॉब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एकदम सिंपल होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है जॉब करने की, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, यस नो, या आप टेक्नोलॉजी को यूज करके भी काम कर सकते हो। फिर बाद में आपको अगर सपोज टाइमिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ओनली कंसर्न इज कि आपका काम जो है वो विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। और आजकल ये नया कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे 9 to 5 जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि 9 बजे जाना है ऑफिस में और 4 बजे आना है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में कम होते जा रहा है और सब जगह पे लोग क्या कर रहे हैं, ये जॉब फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये एक होता है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर में देखो क्या क्या होता है।
जो हमारे लॉन्ग आंसर की एग्जाम होती थी तो उसके अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता था, जिसमें सबसे पहले जॉब एनालिसिस करते हो। जॉब एनालिसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जॉब की डिटेल्स कलेक्ट करते हो कि कैसा कैंडिडेट चाहिए और क्या काम है। फिर आप न्यूज़पेपर में वगैरह सोशल मीडिया पे वगैरह एडवर्टीजमेंट करते हो, ओके, फिर लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो ऐड को देख के। फिर आप एक एप्लीकेशन ब्लैंक भराते हो। एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब क्या होता है, देखो कि कंपनी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर क्या करते हो, कैंडिडेट को अपना डिटेल लिखना रहता है, तुम्हारा नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एवरी डिटेल, या आपके अचीवमेंट्स क्या है, एवरी डिटेल यू हैव टू मेंशन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, वो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। अभी ये क्यों एप्लीकेशन ब्लैंक एम्प्लॉय से या कैंडिडेट से भरवाया जाता है, ताकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो सबके जो रेज्यूम होते हैं या सीवी जो होते हैं उसके फॉर्मेट सेम नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग को वो ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो एम्प्लॉय का क्या क्वालिफिकेशन क्या है या उसका एक्सपीरियंस क्या है, एवरीथिंग वी हैव टू सर्च, या इंटरव्यूअर जो होगा उसको सर्च करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, अपना एक फॉर्मेट देती है, वो फॉर्मेट के अंदर कैंडिडेट को क्या करना रहता है, अपना डिटेल लिखना रहता है, जिससे जो इंटरव्यूअर है उसको हेल्प होता है कि उसको कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन फटा जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। So, application blank is nothing but a format provided by the company in which the candidate who wish to appear for the interview writes his all the details or her all the details. Okay? फिर written tests वगैरह होते हैं, जैसे आपके कोई भी general knowledge की test वगैरह हो सकती है, या दूसरे जो भी tests वगैरह होते हैं, personality test वगैरह हो जाती है आपकी, ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कि आपको कौन से काम में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। तो आप लोग गूगल के अंदर वगैरह सर्च कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करके आप लोग सर्च करो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आना चाहिए। नाउ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है, ताकि आपको वो कैंडिडेट जो है उसके कैलिबर के बारे में थोड़ा सा पता चले। और दूसरा है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट करने का पर्पज ये होता है, जब बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, सपोज आपको 1,000-1,500 एप्लीकेशन आए, अभी 1,000-1,500 लोगों का इंटरव्यू लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो आप लोग क्या करते हो, टेस्ट कंडक्ट करते हो, उसमें एक पासिंग क्राइटेरिया होता है, वो पासिंग क्राइटेरिया जो क्लियर करता है उसी को क्या किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आपका इंटरव्यूज जो होते हैं उनके नंबर क्या हो गए, कम हो गए। सो रिटर्न टेस्ट में आपको एम्प्लॉय का कैलिबर पता चलता है, ओके, फिर बाद में उसके हिसाब से आपके जो भी कैलिबर एम्प्लॉयज नहीं होते उसको आप लोग क्या कर सकते हो, साइड बाय कर सकते हो, और जो बच्चे कुछ एम्प्लॉयज है उसको आप लोग इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, तो आपका इंटरव्यू का टाइम भी बच जाएगा। और फिर इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू मतलब क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे मोस्टली फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में, जहाँ पे इंटरव्यूई जो होता है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, ओके, इंटरव्यूअर जो होता है वो उसको सवाल पूछता है, और उनके बीच में वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। फिर बाद में रेफरेंस चेक होता है। रेफरेंस चेक का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर सपोज पास्ट जॉब क्यों छोड़ा था, यस ना, तो वो चेक किया जाता है। उसके लिए आप लोग देखना, कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो रेज्यूमे के अंदर रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस मतलब किसी दो लोगों का आपको कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, जिनके पास से आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्रॉस चेक की जाती है। बिकॉज काफी बार क्या होता है कि देर आर चांसेस कि एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू के अंदर झूठ बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि उसने पहले कंपनी में कुछ फ्रॉड किया था और उसके वजह से उसको वहां से जॉब से निकाला था। तो ऐसे कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना काफी रिस्की हो सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, रेफरेंस नंबर में उसके पहले एम्प्लॉयर का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लोगे और उनको कॉन्टैक्ट करके पूछोगे कि ये एम्प्लॉय ने जॉब क्यों छोड़ा था। सो इट इज जस्ट टू क्रॉस चेक the details which is provided by the candidate is correct or not. फिर आप उनको initial job offer करते हो, मतलब आप उनको बताते हो कि आपको selection हो गया या आपको इतनी salary वगैरह मिलेगी, वो आप later से उनको inform करते हो। फिर candidate जो होता है वो क्या करता है, वो job को या तो accept करता है या तो reject करता है। कुछ terms and condition ऐसी होती है कि जिसकी वजह से candidate क्या करता है, वो job को accept करता नहीं है। ये काफी बार ऐसे होता है कि अगर उसको salary, timing वगैरह से अगर कोई problem नहीं है तो वो accept कर लेगा, और अगर सपोज कैंडिडेट ने जॉब को एक्सेप्ट किया तो उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का पूरा सिलेक्शन होता है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कौन से है, एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है, ओके, रेफरेंस चेक क्या होता है वगैरह, ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है, या कोई भी दो तीन स्टेजेस वगैरह आपको पूछे जा सकते हैं। एंड द फाइनल टॉपिक इज योर ई सिलेक्शन। नाउ ई सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन, जहाँ पे एम्प्लॉयज का ऑनलाइन सिलेक्शन वगैरह किया जाता है या रिक्रूटमेंट वगैरह किया जाता है ऑनलाइन। तो सारा जो प्रोसीजर होता है, रेज्यूमे से लेके आपका असेसमेंट से लेके टेस्ट वगैरह जो होते हैं, इंटरव्यूज भी आजकल ऑनलाइन लिए जाते हैं, यस ना, तो ये सारी जो चीजें जहां पे ऑनलाइन एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ई सिलेक्शन। ओके, तो ये ऐसा इतनी सारी चीजें आपके फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर है। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई रहेगी।
Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next lecture where I will be telling you about the second module. See you.